तो चंदन के पापा परदेश से वीडियो भेजे हैं, बीच में जोड़ी हूँ, आप सब देख लेना। धान सब गिरा हुआ है खेत में और पानी वहाँ जा रहा था और ये पुलिया लगा है, बिम डाला गया है, तो मेरे खेत में पानी यहीं से सारा चला जाता था। यहाँ हम पानी भर देते हैं, हाँ हमारा पानी भर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़। बस नमस्ते, बस नमस्ते, लाइक कर सको तुम प्लीज चैनल के मैंने क्रिया कर दो। तो खाना बना दिया है, टिफिन में पैक कर दी हूँ, चाय नाश्ता सबका हो गया। आज शीतल और अंजलि जा रही हैं पढ़ने, गुंजन चंदन सब चले गए हैं राशन लेने, आज उनका स्कूल नहीं गए, समझ लीजिए बंद है उनके लिए। तो राशन लाना बहुत ज़रूरी था, यहीं पास में मतलब दूर है थोड़ा, 1 किलोमीटर जाना है जहाँ पर सामान लेने जाते हैं। तो अंजलि खाना खाई? हाँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, ये सब पढ़ने जा रहे हैं, चल दो सब लोग। तो यहाँ पर सारा कपड़ा सुबह ही उठकर धुल दी और बच्चे सब जा रहे हैं पढ़ने। थोड़ा बदली है इस समय का वीडियो, थोड़ा पता नहीं धुंधला क्यों आता है। तो अंजलि संभाल के जाना रास्ते में। तो सब लोग जा रहे हैं, तो अंजलि शीतल सब चली गई पढ़ने और चंदन गुंजन अभी आ जाएंगे राशन लेकर। तो आज शायद 12 तारीख है, 12 तारीख को बट रहा है राशन। तो चलते हैं, बाकी सारा सामान रख देते हैं। और यहाँ पर फूल फुलाया है गुलाब का, देखिए आज ढेर सारा, तो इस पर तरोई सब फैल गया, इसीलिए पौधा कुछ ख़राब हो गया। और यहीं पे मिर्ची भी लगा दी थी, तो देखिए फूल कुछ इस तरह फुलाया है। तो चलते हैं, सारा सामान सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम सब अपने गांव से बाहर निकल आए हैं, घूमने चले आए हैं, थोड़ा काम है। और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरह है, देखिए काश फुलाया हुआ है सब, साथ में गुंजन है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे, आप सबको नहर दिखाते हैं। तो हम सब आ गए हैं नहर के पास और अभी मिट्टी ताजी पटी है, आप सबको दिखाते हैं, उस पार तो नहीं जा पाएंगे। तो देखिए यहीं से मिट्टी कटी थी, वहाँ सारा धान सब गिरा हुआ है खेत में और पानी वहाँ जा रहा था और ये पुलिया लगा है, बिम डाला गया है, तो मेरे खेत में पानी यहीं से सारा चला जाता था, इसी तरह से यहीं से पुलिया, तो यहीं से कट जाता है जब तो पानी आ जाता है। और धान में पानी अभी फ़िलहाल है, मेरा धान का खेत देखिए वो है, और यहीं से कट जाता है और नीचे से पानी सब ऐसे बहकर जाता है। तो अब तो पानी कम हो गया है, यहीं से पूरा धान में वहाँ पानी चला जाता है, और वो ऊंचाई खेत है तो उसमें नहीं जाता है। देखिए मेरा घर इसी कोने पे है, यहीं पे। हाँ, और क्या लाए हो चंदन? ये क्या है, कितने का मिला है? तो शायद 5 रुपए का लाए होंगे, आज तल रहे हैं, खाना भी नहीं खाए। देखिए यहाँ थोड़ा सा पन्नी में है, यहाँ कड़ाही में तल रहे हैं। तो ये फिंगर के ही तरह लग रहा है, शायद ये चावल का है ना चंदन? तो खाना खा लेते फिर तलते, तो थोड़ा सा हम भी खाने लगे, ये चावल का बना हुआ है। तो थोड़ा तेल डाल दिए और यहाँ फ्राई कर रहे हैं, तो आज इसी का सब्जी बनेगा शाम के टाइम। ये बंडा है तो ये पूरा आधा किलो है, ये काट भी नहीं पा रहे हैं चाकू से, तो इसको दो भाग करेंगे। तो यहाँ मैं काट दी हूँ, तो यहाँ ढक्कन लगा दिए हैं, 3 सीटी तक लगा के पकाएंगे कढ़ाई में, वैसे तड़क देंगे तो जल्दी पकेगा नहीं। यहाँ गैस को जला दी हूँ, कुकर को रख देती हूँ,
तो वहाँ पर रख दिया है कुकर को पकने के लिए। अभी चलते हैं तड़का काट लेते हैं। और आप सब बोलते थे कि संगीता जी सिलबट्टे को यहाँ छाँव में रख दीजिए, तो देखिए छाँव में लाकर सिलबट्टे को रख दी हूँ। तो यहाँ पर प्याज को काट रही हैं, तो यहाँ पर चावल को साफ कर रहे हैं। तड़का भी कट गया, चावल भी साफ हो जाएगा। रोक दो, सेट ना करो। तो यहाँ टंकी रखा हुआ है, पानी भर लेते हैं। सुबह धुले थे टंकी को साफ से, तो धूप तो बिल्कुल नहीं निकल रहा है। टंकी को यहीं पे रखते हैं, बारिश भी हो रहा है, तो यहाँ पानी भर देते हैं। तो यहाँ चावल धुलने जा रही हैं सीधा, यहाँ हम पानी भर देते हैं। तो यहाँ हमारा पानी भर रहा है टंकी में, टंकी में पानी भर रहे हैं। उधर सीटी कुकर में लग रहा, करते हैं बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर चावल चला देते हैं, चावल इतना ही शाम को डाला जाता है। आलू तो यहाँ पर पक गया है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर बंडा हमारा छिल गया है, जिसे अरुई कहते हैं, खा रही है। अभी बाल बांधी थी, बिखेर के रख दी थी, अच्छा लगा पहले ही खाकर चेक करके बता दी। तो बहुत अच्छे से उबल गया है, 3 सीटी लगाई थी कुकर में। तो देखिए कुछ इस तरह छिल रहे हैं। तो छिल चुके हैं, चाकू से काट रहे हैं। थोड़ा ये कठोर रहता है। तो गुंजन उधर आटा गूथ रही है। तो चल रहे हैं बंडे का सब्जी बनाते हैं, आज आप सबको दिखाते हैं बना के। तो यहीं पे सरसों का तेल डाल देते हैं। तो यहीं पे डाल देते हैं जीरा। तो यहीं पे तड़का को डाल देते हैं, तड़का पहले से काट ली। तो यहीं पे मसाला को डाल देते हैं, मिक्स मसाला देखी। तो यहीं पे टमाटर को भी डाल देते हैं, मसाला के साथ फ्राई हो जाएगा। चलाते हुए मसाला को पका लेते हैं। और इसे बंडे के सब्जी में टमाटर बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन बंडे का सब्जी थोड़ा है तो इसीलिए थोड़ा टमाटर उसमें डाल दी। तो दोस्तों देखिए टमाटर भी इसी तेल मसाले में फ्राई हो गया, अलग से फ्राई नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर हम बंडे का सब्जी डाल देती हूँ। तो यहीं पे नमक डाल देते हैं। तो यहीं पे सब्जी में पानी डाल देते हैं, पानी डाल के चला देते हैं। तो हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। अभी आप सबको दिखाती हूँ हमारी सब्जी किस तरह बना है। तो सब्जी तो पक गया, लाइट चली गई है और उजाला था जब सब्जी बनाई थी। तो यहाँ हमारा सब्जी कुछ इस तरह बना है, ये सब्जी कुछ इस तरह बना हुआ है। तो सब्जी निकाल के सबको दे देते हैं। यहाँ सभी के थाली में निकाल रहे हैं। तो सबका खाना निकाल दी हूँ, खाना जा रही है। तो आप सबको बुला रहे हैं खाने के लिए, अंधेरे में खा रहे हैं, दिल बड़ा चल रहा है। तो चंदन के पापा का रूम यही है, यहाँ पर खाना बना रहे हैं। ये भी रात का क्लिप है, तो ये शॉर्ट वीडियो की तरह शूट करवा दिए, वीडियो एक भैया शूट कर दिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो कल वाला वीडियो भेजी थी, कल वाले वीडियो में जैसे एक कमेंट जिस टॉपिक पे आ जाएगा वही कमेंट से वीडियो भर जाएगा, तो बाकी लोग ऐसा नहीं लिखे थे। और बाकी बहन भाई कुछ लिखे थे, बोल रहे थे खाना बनारसी साड़ी पहन के कौन बनाता है, तो बनारसी साड़ी पहन के मैं खाना बनाई। आप सब पहली बार देखे होंगे, तो ये भी एक नया टॉपिक था मेरे लिए, आप सबके लिए भी। तो एक बहन लिखी थी शायद किसी ने दिए होंगे, तो हाँ वो साड़ी मिला ही था। तो एक बहन लिखी थी उसका बैलू संगीता को नहीं पता होगा, सच में हमें क्या पता, जब पहन के बनाने से क्या होता है, साड़ी में कोई तो कमी नहीं आ सकती है, तो मेरे समझ से।
और दोस्तों चंदन के पापा का थोड़ा सा वीडियो मैं बीच में ऐड कर दी थी, खाना बना रहे थे, आप सब देखे होंगे। तो वहाँ पर प्रदेश में खाना बनाना और काम पे भी जाना एक काम है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।